सीबीएसई की चल रही बोर्ड परीक्षाओं में 12वीं का अकाउंट्स का पेपर व्हाट्सएप पर लीक होने से बोर्ड अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुबह से व्हाट्सएप पर अकाउंट्स के पेपर की कॉपी शेयर की जा रही थी। एक तरफ जहां पेपर लीक होने की खबर जोर पकड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई ने पेपर लीक होने की इस खबर का खंडन किया है। बोर्ड की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार पेपर लीक नहीं हुआ था और सभी परीक्षा केंद्रों पर सील बरकरार थी। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ मैसेज भेजे जा रहे थे। सीबीएसई ने इस तरह की हरकतों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। आप पेपर दे के आए हो? हाँ जी बेटा, पेपर लीक हो गया। सरकार कहना लोगों में रूमर है और टीवी चैनलों में चल रहा है, अखबारों में चल रहा है और इंडियन एक्सप्रेस ने तो अंदर आपको कुछ पता चला ऐसा कुछ? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चला, बट ठीक है, वो जो सीबीएसई एक्शन लेगी अब वो लेगी। पेपर लीक हो गया, क्या कहेंगे इसके लिए? पेपर लीक हुआ, देखो कुछ पता अंदर कुछ ऐसा किसने डिस्कशन में नहीं करी इस चीज़ की? तो अंदर हमारे बच्चे तो ईमानदार हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और जिनको ये सारे क्वेश्चन पता चल गए उनके तो बल्ले बल्ले हैं, उनकी तो ये भ्रष्टाचार है। एडमिशन है वो मार्क्स पे होता है, ये भ्रष्टाचार है, हम कहेंगे दोबारा होना चाहिए। हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।